अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दिस इज आल्सो एब्रिविएटेड एज एएसडी। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है इट इज एब्रिविएटेड एज एएसडी। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है? जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है ये डिफेक्ट होता है बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट होता है उनके दरमियान जो सेप्टम होता है उसी में एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ए और एएसडी इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग is an abnormal opening between the right and left atria. Right shunting of blood. Atrial septal defect, ASD, is an abnormal opening between the right and left atria, resulting left to right shunting of the blood. Atrial septal defect जो है ये एक abnormal opening होती है, एक होल होता है किसके दरमियान? बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट के दरमियान। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो शंट हो जाता है। कहाँ से वो शंट होता है? ब्लड जो है वो शंट होता है फ्रॉम लेफ्ट राइट साइड ऑफ द हार्ट, वो शंट हो जाता है, दैट इज नोन एज द एएसडी। एएसडी जो है इट ऑकर्स इन अबाउट 9% ऑफ ऑल सीएसडी। ASD जो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इट ऑकर्स इन 9% ऑफ ऑल CSDs। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है ये एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है जो हार्ट में राइट एंड लेफ्ट एट्रियम होता है उनके दरमियान जो सेप्टम होता है उसमें एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है इट इज इंक्लूडेड इन द एसाइनोटिक कॉन्जिनेटल हार्ट डिजीज, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्जिनेटल हार्ट डिजीज। यूजली जो फोरामेन ओवेल होता है वो ओपन रहता है, फोरामेन ओवेल इट्स एन टेम्पररी ओपनिंग। फोरामेन ओवेल जो है ये एक टेम्पररी ओपनिंग होती है ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ एक टेम्पररी ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज द फोरामेन ओवेल। सून आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, जब बेबी की बर्थ होती है उसके बाद क्या हो जाता है, जो ये फोरामेन ओवेल है, जो ये टेम्पररी ओपनिंग है, ये क्लोज हो जाती है। बट इन सम केसेस जो ये फोरामेन ओवेल होता है ये क्लोज नहीं हो जाता है, इट रिमेन्स ओपन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। मोस्ट यूजुअली क्या होता है, जो ये टेम्पररी ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज द फोरामेन ओवेल। ये क्या होता है ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ये टेम्पररी ओपनिंग होती है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, ये जो ये टेम्पररी ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है। बट इन सम केसेस जो फोरामेन ओवेल है इट रिमेन्स ओपन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, रिजल्टिंग इन द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। Now the types of atrial septal defect. इसके कितने types हैं? There are three types of atrial septal defect. इसके three types हैं। कौन कौन से?
that is ostium, scandum. Second one is ostium primum, and third one is the sinus venosus. These are the three types of ASD. ASD के three types हैं. कौन कौन से? First one is the ostium scandum. Second one is the ostium primum, and third one is the sinus venosus. Ostium scandum. Now the first one. Ostium scandum, ASD. Ostium scandum, ASD. First one. अब आप लोग पहले देखो कि ostium scandum, ASD होता क्या है. Ostium scandum, ASD जो है, this is the most common type. This one is the most common type of ASD. Ostium scandum ASD जो है, ये most common होता है. इसमें क्या होता है, जो abnormal opening होती है, abnormal opening होती है septum में, that is in the middle of atrial septum. ostium scandum में क्या होता है, जो ये abnormal opening होती है, usually ASD हम बोलते ही है, ASD क्या होता है, abnormal opening होती है between the right and the left atrium of the heart. लेकिन जो इसका first type है, that is ostium scandum. Ostium scandum में जो ये abnormal opening होती है, ये कहाँ पे होती है, जो septum होता है, between the right and the left atrium of the heart में जो septum होता है, उसके middle में ये abnormal opening होती है, that is known as the ostium scandum. Now the second type, ostium primum ASD. ostium primum ASD. ostium primum ASD होता है क्या है? It presents an abnormal opening at the bottom of atrial septum. किसकी वजह से? Due to improper development of due to improper development of septum primum. Now ostium primum ASD होता क्या है? Ostium primum ASD हम तब बोलते हैं जब ये abnormal opening जो है, abnormal opening जब ASD में होती है, लेकिन जो ये abnormal opening होती है, ये होती है जो atrium के bottom में abnormal opening होती है, that condition is known as the ostium primum ASD. किसकी वजह से होता है? जो abnormal opening होती है वो bottom में होती है, atrium के bottom में होती है, due to improper development of septum primum. This is the second type. Now the third one, that is sinus venosus. Sinus venosus.
जो साइनस वेनोसिस एएसडी है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। यूजुअली इन सबों में क्या होता है, एट्रल सेप्टल डिफेक्ट ही होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। यहाँ पे ऑस्टियम स्कैंडियम में जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है वो होती है एट द मिडल ऑफ दिस एट्रियल सेप्टम। ऑस्टियम प्राइमम में जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है वो होती है एट द बॉटम ऑफ द एट्रियल सेप्टम। नाउ थर्ड वन साइनस वेनोसिस एएसडी, इसमें जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, एबनॉर्मल ओपनिंग दैट इज एट द टॉप ऑफ एट्रियल सेप्टम। साइनस वेनोसिस एएसडी जो है इसमें क्या होता है, साइनस वेनोसिस एएसडी में जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है वो होती है एट्रियल सेप्टम के टॉप में एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एएसडी। इन फर्स्ट वन देयर इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग एट द मिडल ऑफ द एट्रियल सेप्टम। इन सेकेंड वन ऑस्टियम प्राइमम देयर इज एबनॉर्मल ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द एट्रियल सेप्टम। एंड वेन देयर इज abnormal opening at the top of the atrial septum, that is known as sinus venosus ASD. These are the three types of ASD. Now the pathophysiology. Pathophysiology of ASD. In pathophysiology, firstly, there is flow of oxygenated blood. There is flow of oxygenated blood. कहाँ से? From high pressure left atrium to low pressure right atrium. This result is seen right ventricle overload. Right ventricle overload. And right ventricular dilation. Also, increasing blood flow to lungs leads to elevated pulmonary artery pressure. This is the pathophysiology of atrial septal defect. Atrial septal defect में होता क्या है in pathophysiology? First of all, जो oxygenated blood है वो flow हो जाता है, कहाँ से flow हो जाता है? From high pressure left atrium से लेकर to the low pressure right atrium तक. Left atrium से oxygenated blood flow हो जाता है क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम से टू द लो प्रेशर राइट एट्रियम में. उसके बाद राइट एट्रियम में से कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में. राइट वेंट्रिकल्स में ओवरलोड हो जाता है एंड दैट लीड्स टू, जब राइट वेंट्रिकल्स में ओवरलोड होता है दैट
leads to the right ventricular dilatation. जो right ventricle होते हैं वो dilate हो जाते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जब right ventricles dilate हो जाते हैं, increase blood flow हो जाता है. कहाँ पे increase blood flow चला जाता है, to the lungs, that leads to elevated pulmonary artery pressure. जो यूजुअली जो ब्लड है वो फ्लो हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम. उसके बाद हम बोल सकते हैं पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है दैट इज इंक्रीज्ड. जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज होता है, दैट रिजल्ट इज इन द डायलिटेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. रिवर्सल ऑफ शंट में ऑकर इफ देयर इज पल्मोनरी स्टेनोसिस या पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड दैट लीड्स टू आल्सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट.